दोस्तों सी लैंग्वेज के क्षेत्र में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। आई एम श्योर कि अगर आप बीसीए एमसीए या फिर बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे और आपने सी या असेंबली लैंग्वेज दोनों से कुछ भी पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो उससे पहले ये टर्म जरूर आई होगी कि लो लेवल लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज। अब होता क्या है कि जो किताब में हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है वो उतनी प्रिफर नहीं होती कि आप डेली लाइफ की प्रैक्टिकल से समझ सको कि लो लेवल लैंग्वेज कौन सी है और हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है और इन दोनों में ऐसा क्या बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से इनमें इतना डिफरेंशिएशन होता है। सो आज के इस वीडियो में हम तीन मेन क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, और तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि जो लो लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। So, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ सबसे पहले शुरुआत करते हैं लो लेवल लैंग्वेज से। देखो सबसे पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि इसे लो लेवल लैंग्वेज बोला क्यों जाता है, लो लेवल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो लो लेवल लैंग्वेज है ये दो पोर्शन से रिलेटेड है। एक है मशीन कोड, जिसे हम समझ सकते हैं बाइनरी नंबर 1001, ये जिस पता है आपको, और दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज। ये दोनों ही चीजें लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट है। अब आपको एक चीज पता है कि कंप्यूटर जितनी भी चीजें समझता है वो कौन सी भाषा में समझता है, 01 के फॉर्मेट में। तो जो मशीन कोड है वो क्या है, 01 का फॉर्मेट है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे बोलूं कि पूरी कोडिंग आपको 0101 फॉर्मेट में करना है तो क्या ये आपके लिए पॉसिबल होगा, नहीं। इसी तरीके से अगर मैं असेंबली लैंग्वेज की बात करूं जो कि मशीन कोड से थोड़ा सा अप लेवल है, जिसमें जो भी सिस्टम है यानी कि अगर सीपीयू है तो उसके रजिस्टर्स का इस्तेमाल करके हम वहां पे कोडिंग्स को करते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या है कि असेंबली लैंग्वेज और जो ये हमारी मशीन कोड है इन दोनों में हमें उतना प्रिसाइज कंट्रोल नहीं मिलता, इसीलिए इसे लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल लू सी लैंग्वेज का, जो कि एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, अब आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपको नाम प्रिंट करना है तो बहुत ही सिंपल है, प्रिंट अप किया और स्कैन अप भी कर दो तो भी आपका जो डेटा है वो वहां पे इनपुट आउटपुट में रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन अगर वही काम आपको असेंबली लैंग्वेज में करना है तो आपको पहले रजिस्टर से याद होना चाहिए कौन सा रजिस्टर उस जो वैल्यू है उसको कंटेन करेगा नहीं करेगा, सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है, यानी उसमें क्या है हमारे पास मशीन डिपेंडेंट भी आ जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। लेकिन उसके अदर में किसी और लैंग्वेज की बात की जाए तो उसमें हमें एक प्रिसाइज कंट्रोल मिल जाता है। ये सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप समझ गए होंगे आप कि लो लेवल लैंग्वेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस लैंग्वेज में कोड करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और दूसरा हमें वो प्रिसाइज कंट्रोल नहीं मिल पाता जिसकी मदद से आप कोडिंग इजीली कर सके। पॉइंट के लिए अब इसके डेफिनेशन को देखिए जो कि किताब में दी हुई है कि लो लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड लिटिल और नो एब्स्ट्रैक्शन ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हमें बहुत ही कम, या फिर हम बात करें कि कोई भी सारांश में, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब संक्षेप में, तो बहुत ही कम कंट्रोल हमें यहाँ पे मिल पाता है, इसी वजह से इसे लो लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। इसके साथ ही अ लो लेवल लैंग्वेज इज अ मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपको रजिस्टर का, तो जो सीपीयू है वो उस चीज को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, या फिर जो दूसरा सीपीयू है उसमें जो भी प्रोसेसर है वो कौन से रजिस्टर को सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तभी आप वहां पे कोड को अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो दो चीजें कंसिस्ट करता है, एक हो गया आपका मशीन कोड, दूसरा हो गया असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन कोड है वो सिंपल भाषा में बाइनरी नंबर है और जो आपका दूसरा है असेंबली लैंग्वेज वो क्या है, रजिस्टर्स पे डिपेंड होता है, सीपीयू में रजिस्टर्स होते हैं उस रजिस्टर्स के बिहाव पर काम करता है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। अब यहाँ पे अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज पे गौर करें तो आप इसके एग्जाम्पल से ही समझ जाओगे कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं जावा की, पाइथन की या फिर पीएचपी की, ये सभी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। और आपको बताया कि ये कितने डायनामिक है, इनमें इनपुट आउटपुट का कंट्रोल आपको कितना मिलता है, एक यूजर इंटरफेस बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो कोड करना काफी ज्यादा आसान है। अगर हम इसके कंपैरिजन कर दें असेंबली या मशीन कोड बाइनरी लैंग्वेज से तो बहुत ही ज्यादा फर्क है। सो यहाँ पे इसके डेफिनेशन को समझते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट अलो प्रिसाइज कंट्रोल फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो आप यहाँ पे सिंपली इसका मतलब ये है कि ये आपको एक प्रिसाइज मतलब कि एक कंफर्ट कंट्रोल देता है जिसकी मदद से आप जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस फॉर्मेट को अटेंड कर पाते हैं बड़ी आसानी से। इसके अलावा एवरी हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट द सेट ऑफ रूल्स। आपको पता है चाहे पीएचपी की बात करें, पाइथन की बात करें या फिर किसी और लैंग्वेज की बात करें, जावा हो,
तो उन सभी में एक अलग अलग सेट ऑफ रूल्स का फॉर्मेट होता है जिसके बिहार पे जिसे आप आसान भाषा में सिंटेक्स बोलते हैं। आई होप ये पोर्शन समझ गए होंगे आप। दिस लैंग्वेज आर मशीन इंडिपेंडेंट। अभी आपने सुना एक वर्ड मैंने लो लेवल लैंग्वेज में बोला था कि जो असेंबली लैंग्वेज है वो किस पे डिपेंड करता है, मशीन पे, कि भाई इसके प्रोसेसर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें कौन सा रजिस्टर यूज करने है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे यूज किया जाता है कंपाइलर का, जिसकी मदद से जो भी कोड हम लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझेगा, 01 की भाषा, तो जो भी कोड आप हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हो उस लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में कंपाइलर की मदद से, और तब वो उस लैंग्वेज को समझ पाता है। सो आई होप कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में क्या मेनली डिफरेंस है वो आप समझ गए होंगे। अगर एग्जांपल कोई आपसे पूछ ले लो लेवल लैंग्वेज का, तो असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन कोड एग्जांपल है लो लेवल लैंग्वेज का। और यहाँ पे अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, तो जितने भी एडवांस लैंग्वेज अभी आज के टाइम में है, चाहे वो जावा हो, पीएचपी हो, पाइथन हो, ये सभी लैंग्वेज कौन सी है, हाई लेवल लैंग्वेज। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपके पास एक और सवाल आ जाता है कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज को डिफरेंशिएट करो, तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट रेडी कर दिया। आप प्लीज इसे ध्यान से देखिए कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो हार्ड टू अंडरस्टैंड है, जैसे मैंने बताया असेंबली लैंग्वेज हार्ड है, और अगर हम बात करें जावा या पीएचपी की तो उसके रिस्पेक्ट में वो काफी ज्यादा ईजी है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स टू मॉडिफाई, अगर आपके कोड में कुछ गड़बड़ है या फिर आप उस कोड को मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में वो जो कोड है वो आपको हार्ड पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे लैंग्वेजेस की बात करें तो वहां पे उसे मॉडिफाई करना इजी होगा। इसी की तरह उसे मेंटेन करना या फिर डीबग फाइंड करना, डीबग का मतलब अगर उसमें कोई एरर आ गया तो उस एरर को आप बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं पीएचपी, पाइथन या फिर जावा में, लेकिन अगर असेंबली की बात की जाए या मशीन कोड की बात की जाए तो वहां आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसके साथ ये टर्म मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो लो लेवल लैंग्वेज है वो मशीन डिपेंडेंट है, जबकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये कंपाइलर का यूज करता है जिसकी मदद से वो जो डेटा है वो कंपाइल होके तब मशीन कोड में चेंज होता है और तब आपका कंप्यूटर उस फॉर्मेट को समझ पाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट हो आपको समझ में आया होगा। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।